नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.73% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ आप अगर देखेंगे, आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रेड कैंडल बनाया और पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या और भी गिरावट आएगा या तेज़ी आएगा? तो अगर ऊपर बढ़ता है तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा? सभी कंडीशन को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करने की आवश्यकता है कि स्टॉक काफ़ी समय तक यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, देख सकते हो। अब इस रेंज की जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, देखिए। देन इसको ब्रेकआउट किया, हाई लगा 3233 को। लेकिन मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली मूवमेंट बनाया था और ऊपर की साइड में आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्टॉक ने एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया। ये देखिए, डबल टॉप का पैटर्न बनाया, एम पैटर्न जिसको हम कहते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से डबल टॉप का पैटर्न बनता है तो गिरावट रहता है अगर इसका नेकलाइन को ब्रेकडाउन करता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि स्टॉक ने नेकलाइन को ब्रेकडाउन करा और क्लियर नीचे गिरा। अब इसका अगला सपोर्ट लेवल हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2637.5 का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक रेंज में था, तो देख सकते हो। तो अब इसका सपोर्ट लेवल ये है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन सकते हैं, देखिए दोस्तों, मैक्सिमम संभावना यही है, ज़्यादातर संभावना यही है कि स्टॉक इसी को सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें देखना चाहिए कि क्या सपोर्ट जोन पर कोई भी एक मोमेंटम कैंडल बनाता है क्या। मोमेंटम से मेरा मतलब है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर हायर है क्लोजिंग हो, बुलिश एंगल्फिंग हो, कोई भी पैटर्न अगर बनता है तो आप समझ लीजिएगा स्टॉक में तेज़ी आ सकता है। अदरवाइज स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो फिर अगला सपोर्ट लेवल की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि 2450 पर है और नेक्स्ट रहेगा 2264 का। क्लियर है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। स्टॉक में कोई भी बायस होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में है। मन में कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।